अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल होम ब्यूटी पार्लर और बेल के आइकन को प्रेस कर दें हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऑल इन होम ब्यूटी पार्लर, मैं हूं आपकी दोस्त आरुषि। दोस्तों, सर्दियों का मौसम रफ्तार पकड़ रहा है और इस सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम होना बहुत आम सी चीजें हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि मैं सर्दी जुकाम की बात कर रही हूँ और आपको नींबू, वूफा और शैम्पू का पाउच में क्यों बता रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि सर्दी जुकाम के बाद अगर किसी चीज का नंबर आता है तो वो होती है फटी एड़ियाँ। आई एम श्योर आपने फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए काफ़ी वीडियोस अब तक देख लिए होंगे और हर जगह आपको बताया होगा कि गर्म पानी करिए, उसमें नींबू मिलाइए, फिर थोड़ा सा शैम्पू डालिए और फिर इस वूफा की मदद से अपनी फटी एड़ियों को ठीक करिए। पर उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि या फिर सबने अपनी फटी एड़ी से निजात पा लिया हो। सभी चीज़ों के साथ अगर आपने कुछ और इस्तेमाल करा होगा वो होगी पेट्रोलियम जेली, क्योंकि आप अपने पैरों को क्लीन करने के बाद पेट्रोलियम जेली तो ज़रूर लगाते होंगे। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फटी एड़ियां होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? दोस्तों, जब हम पानी बहुत कम पीते हैं या फिर अपने पैरों को कवर करके नहीं रखते हैं, उन्हें क्लीन नहीं रखते हैं, हमारी एड़ियां फटने लग जाती हैं। दोस्तों, बिना इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करे वह स्पेशली बाजार के केमिकल्स को इस्तेमाल करे बिना हम कैसे अपने घर पे ही एक अच्छा सा स्क्रबर बना सकते हैं और कैसे अपनी फटी एड़ियों से छुटकारा पा सकते हैं, ये जानते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा क्योंकि उसमें आप जान पाएंगे कि किस वक्त आपको स्क्रब को इस्तेमाल करना है और उसे बनाने का आसान सा तरीका। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस्तेमाल करना है एक खाली बाउल का। आप घर में मौजूद एक खाली बाउल को ले लीजिए। अब आपको इसमें मिलानी है कुछ जरूरी चीजें, वो भी आपको घर पे आसानी से मिल जाएंगी। हर घर में चावल तो होता ही है, तो आपको इस्तेमाल करना है चावल का आटा। आप थोड़े से चावल ले लीजिए और उसे मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में चावल को पीसने के बाद कुछ इस तरीके का चावल का आटा मिलेगा। ये थोड़ा सा दरदरा होता है और ये बहुत ही अच्छे स्क्रब का काम करेगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहली चीज जो इस्तेमाल करनी है वो है चावल का आटा। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच चावल का आटा। आज मैं इसमें मिलाऊंगी एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लगभग 1/4 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ। हम इसे चावल के आटे में मिला देंगे। हमें इस्तेमाल करना है शहद का। दोस्तों, हमने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करा है। अब इसकी मदद से हम इस पेस्ट को बनाएंगे। तो फटी एड़ियां बहुत ज़्यादा है और आपको लंबे समय से फटी एड़ियों की शिकायत है, तो आप इस स्क्रबर के अंदर मिला सकते हैं कुछ बूंदे ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा, इसे जैतून का तेल भी कहते हैं। आप इसकी कुछ बूंदे अपने स्क्रबर में डाल दीजिए ताकि स्क्रबर की कंसिस्टेंसी तो सही होगी, इसी के साथ ये आपकी फटी एड़ियों को कम वक्त में मॉइस्चराइज भी करेगा। यहाँ पे 3 से 4 बूंदे मिला रही हूँ ऑलिव ऑयल की और उसके बाद हमें इसे वापस से मिक्स करना है। क्रैक हील स्क्रबर तैयार हो चुका है। दोस्तों, आप जब भी अपनी फटी एड़ियों पे से लगाएं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपकी एड़ियां साफ हो। उसके लिए आपको सबसे पहले 15 से 20 मिनट तक अपने पैरों को गुनगुने पानी में रख लेना है। उसे रखने के बाद आपको 15 से 20 मिनट बाद अपने पैरों को बाहर निकालना है। पैरों को बाहर निकालने के बाद आप किसी भी कॉटन के कपड़े से या टॉवल से अपने पैरों को पोंछ लीजिए। हल्का सा पोंछने के बाद आपको ये स्क्रबर लगाना है अपनी फटी एड़ियों पे ताकि ये आपकी एड़ियों की गंदगी साफ कर सके, इसी के साथ ही ये आपकी एड़ियों को चमकदार और सुंदर बना सके। आप इस रेमेडी को वीक में 2 बार जरूर इस्तेमाल करें विजिबल डिफरेंसेस देखने के लिए। चावल हमारे डेड स्किन को हटाने का काम करता है। शहद, विनेगर और ऑलिव ऑयल मिलके हमारी क्रैक हिल को ठीक करके उसी के साथ ही उसे मॉइस्चराइज करते हैं ताकि उसमें मौजूद सूखापन और दरारें ठीक हो सके। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय।